ये बैचांदी है नागा, ये इसका बेला होता है, ये बेलदार पौधा है और बेला ऐसे करते, ये पत्ता अभी सूख गए है और एक खुदाई ला हमन जनवरी या फरवरी के माह में करे जाते ठंड के समय। और ये बेला ऐसे है, ये उसका कंद है। तो सबसे पहले ये जो छोटे भाग है ये ला बीज के रूप में यहाँ खोद के पार देते, और ये जो ऐसे बड़ा वाला मिलते ये ला संग्रहण करके घर में ले जाते। और लेने के बाद ये जो जड़ दिखत है रुमादार, ये ला हसिया के धार से तोड़े जाते ताकि एकर मिट्टी उट्टी पूरा झड़ जाए। और झड़ाने के बाद में ये ला एकर चिप्स एक कटिंग करते, और काटते समय तो ये सावधानी रखे जाते कि ये थोड़ा से जहरीलापन है, हाथ में जैसे चूना काटते हाथ ला उसी प्रकार से एकर जो जहर है वो जहर काट देते। एकर से थी सफ़ेददार साफ शुद्ध किंदी हाथ में घुमट के एकर छाल ला निकाले जाते। ओकर बाद हंसिया में बारीक बारीक जैसे आलू के चिप्स बनते ना वैसे इला काटे जाते, और काट के इला भाप के द्वारा हल्का से उसनना पड़ते, और उसन के एकर कंद ला बहते हुए पानी में नाले में लेके वहाँ रात भर डुबाई जाते ताकि जितना भी एकर जो विष जहरीला दार है वो बहते हुए पानी में बह जाए और ओकर जो चिप्स रहते वो चिप्स ला मस्त धूप में सुखा जाते। और सुखाने के बाद वो चिप्स जब सूख के तैयार हो जाते, जब बोला इसे तोड़े तो तोड़ते समय कट से आवाज़ आना चाहिए, टूट जाना चाहिए, तब समझ ले कि ये सूख गए। और उसके बाद बोला ला के मस्त रखे, और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक दायक है। पेट में जो कृमि उर्मी रहते ओकर भी सफाई के लिए काम आते, और खाने से पौष्टिक है, पौष्टिक आहार के रूप में हिला तेल में फोड़ के नाश्ता के रूप में खाया जाते। और एकर चिप्स हर बाज़ार में भी एकर मांग अधिक है, बाज़ार में भी एकर चिप्स ला बेचबे तो 80 रुपया 85 रुपया 100 रुपया तक के किलो में बिकते। ये 7 पीढ़ी तक के पुरते रहे, आने वाला संतान ला भी एकर लिए ये जानकारी है। जैसे छोटे भाग है ये छोटे भाग ला तोड़ के यहाँ ऐसे याद ही, और ये जो बड़ा भाग है वो बड़ा भाग ला ले जाए। तो ये छोटे जो कंद है वो बरसात में फिर उगी, ये है ये उपयोग के लिए आगे, और ये बीज के लिए इसको आने वाला समय के लिए इसको सौंप देते हैं हम ऐसे।